आज हम MIM पार्टी की तरफ से हम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद जनाब अंजनी कुमार साहब से मुलाकात की, जिसमें मैं बहसत रुकन पार्लियामान और सदर मजलिस और तमाम अराकीन असम्बली अराकीन कानून साज काउंसिल कमिश्नर पुलिस से मिले और हमने इनसे नुमाइंदगी की कि साबिका उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उस शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी उस किताब में जो लिखा गया है झूठ और नाजेबा अल्फाज और बकवास गंदगी उस किताब में भरी हुई है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हमने उस किताब के बाद एहतसाबात भी कमिश्नर पुलिस को रिप्रेजेंटेशन में दिए। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इस शख्स के खिलाफ 153A, 153B, 295A, 504 और 505 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन सी और YPC में केस बुक किया जाए और कमिश्नर पुलिस ने हमको तयफुन दिया है कि फौरन इन पर हैदराबाद में क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत क्रिमिनल केस बुक करने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार भी करेगी, क्योंकि इस तरह की वाहियात अनाप शनाप बकवास गंदगी लिखना ये सिर्फ मुसलमानों को मुश्तैल करना, उनको प्रोवोकेट करना और ये शख्स मुस्लिम दुश्मन ताकतों का एक आलाकार बनकर ये हरकतें कर रहा। उस शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी उस किताब में जो लिखा गया है झूठ और नाजेबा अल्फाज और बकवास गंदगी उस किताब में भरी हुई है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हमने उस किताब के बाद एहतसाबात भी कमिश्नर पुलिस को रिप्रेजेंटेशन में दिए। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इस शख्स के खिलाफ 153A, 153B, 295A, 504 और 505 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन सी और YPC में केस बुक किया जाए और कमिश्नर पुलिस ने हमको तयफुन दिया है कि फौरन इन पर हैदराबाद में क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत क्रिमिनल केस बुक करने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार भी करेगी।